ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫਰੈਂਡ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਇਆ ਹਲੋਇਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਉਸੇ ਹਲਾਤੇ ਰਹੇ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਆਪ 10-15 ਮਿੰਟ ਹਲਾਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਗੇ ਸੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫਿਰ ਤਬ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਗਾ ਪੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ रात को एक फैमिली आई थी हरियाणा से बैठे हैं कहां पर उनके हस्बैंड को अच्छा ये आपके हस्बैंड कहां हैं आपके पति कहां पे बैठे हैं ये आप आगे आ जाओ देखो परमेश्वर भला है बोलो क्या है परमेश्वर भला है जी भाई साहब इनके फादर साहब सरकारी जॉब करते हैं ये नशा करते थे लाखों का इन्होंने नशे में अपने पैसे को खराब कर लिया है पर इनकी पत्नी का मन तो अच्छा विश्वास करते हैं और एक बात सुनो ये और इनके दोस्त क्योंकि जैसा बंदा होता है उसके दोस्त भी वैसे होते हैं तो दोनों नशा करने के लिए गए उसने ज्यादा कर लिया अब बताऊं थोड़ा सा इनको माइक दो पास्टर जय मसीह जी जय मसीह की जी असि दोनों फ्रेंड नशा करन गए थे कहते जी मेरे नाल जेड़ा फ्रेंड सीगा जी उन्होंने ना ओवरडोज हो गई ते वो गिर गया ते मैं उन्होंने हलाया हलोया बेहोश सीगा बिल्कुल मतलब जिद्दां डेड हो गया होवे जैसे डेड हो गया इन्होंने बहुत हिलाया बहुत उसे जोर जोर से हिला रहे हैं कि उठ जाए उन्हें होश नहीं आया कोई होश नहीं आया कितनी देर तक आप उसे हिलाते रहे जी 10-15 मिनट पब्लिक भी इकट्ठी हो गई मैं क्या 15 मिनट आप 10-15 मिनट हिलाते रहे पर उसके कोई मतलब आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिला कोई रिस्पांस फिर तब तक पब्लिक भी लोग भी इकट्ठे हो गए सीगे जी मैं डर गया थे मैं क्या हूं आज भी जेल जाऊंगा भी जेल जावांगे पंगा पड़ गया ना क्योंकि वो साथ है डेथ हो गई भी इसकी डेथ हो गई ठीक नहीं होना अब ते फिर मैं मेरे याद आया मैं वाइफ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਥਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ परमेश्वर से अभी अच्छा कर देगा मुझे नहीं पता ये बेहोश है कि डेड हो चुका है मर चुका है हाँ क्योंकि ये 15 मिनट हो गए थे अगर बंदा बेहोश होता है तो थोड़ा थोड़ा बहुत उसे सुरत आती है उसके थोड़ा बहुत पता लगता है पर ये बिल्कुल डेड की अवस्था में था समझ आ रही है तो मैंने इनसे एक वादा किया था कि आगे से अपने वचन को पूरा करना है क्या करना है वचन को पूरा करना है और जब इन्होंने मैंने कहा मन फिराओ कि ये पाप आगे से नहीं करना इन्होंने कहा ठीक है जी। क्या है यही कहा था जी। परमेश्वर सच्ची है आपके सामने खड़े जब प्रार्थना हुई तो कितनी समय में उठ गया प्रार्थना करते ना उस सारे नाल दे नाल उठ गया उससे वेले उठ के बैठ गया देखो हालेलुया क्या नहीं करता परमेश्वर सब कुछ करता है